नमस्कार दर्शक मित्रों, हेल्थ प्लस के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं नीतल शाह आज आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक विथ डॉक्टर नीरज भंसाली। डॉक्टर नीरज भंसाली, ही इज़ अ बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी। वेलकम नीरज जी, वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल, वेलकम टू आवर हेल्थ प्लस प्रोग्राम। Neeraj ji has been trained from various reputed institutes worldwide like Australia, Germany, America, etc. He has treated many sports celebrities like Sania Nehwal, Dravid, Balaji, Dinesh Karthik, Robin Uttappa and many, many more. So, sir, I can call you a celebrity doctor. That wouldn't be wrong. And we are very lucky to have you over here. He has also received so many awards, from which the recent International Clinical Excellence Award he has received in 2018. And in 2017, he also received the Young Achievers Award from our Chief Minister Vijay Rupani ji. So, congratulations sir, aapko itne sare awards mile hai. Vijay Rupani ji ne bhi aapko award diya hai. And I have been having personal experiences with sir ke bahut sare unhone patients ko treat kiya hai, chalte firte kiya hai. To sir, सारे सूरत की ओर से, सारे इंडिया की ओर से मैं आपको दिव्यांग न्यूज चैनल पे धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सर्विसेज, इट्स अ बिग सर्विस दैट यू हैव बीन डूइंग एंड मेकिंग पीपल हैप्पी एंड हेल्दी ओवर हियर। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी एक्सपर्टाइज किस चीज में है? हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो खास करके ऑपरेशन या दवा बगैर हम ठीक करते हैं लोगों को, जिनको भी दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो शरीर में, जैसे कंधा है, कमर है, गर्दन है, घुटना, एंकल पेन, हील पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, इवन माइग्रेन का दर्द हम ठीक करते हैं। सो हमारी जो एक्सपर्टाइज है खास करके इन सब चीज़ों को हम नेचुरल वे में पूरा ठीक कर सकते हैं और वापिस नहीं हो उस लेवल पर हम ठीक करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है। और हम प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढ निकालते हैं कि जैसे किसी को हील में प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हील में ही प्रॉब्लम हो, उसका मूल कहीं पे और हो सकता है कि गर्दन में कोई प्रॉब्लम हुआ उसके कारण हील में प्रॉब्लम फिर एग्जीक्यूट होता हो। तो हम रूट कॉज ढूंढ सकते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ है और फिर कहाँ फैला हुआ है, हम पूरे रूट को ठीक करते हैं जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और हमारी 60 डॉक्टर की बहुत बड़ी टीम है, वो सब बहुत अपग्रेडेड रहती है। इन सब के नॉलेज की वजह से हम सबको इस तरीके से पूरी तरह नॉर्मल कर सकते हैं, कोई भी दवा या सर्जरी बगैर। दैट्स रियली वंडरफुल टू नो कि दवाई और सर्जरी के बगैर भी इंसान ठीक हो सकता है। तो ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। एंड इंडिया में तो हमारा कल्चर ही ये कहता है कि जितना हो सके उतना वी बिलीव इन नेचुरोपैथी। तो यू आर फॉलोइंग द नेचुरल वेज, दैट इज़ वेरी नाइस टू नो। तो सर, अभी जैसे अगर किसी को घुटने में घिसा रहा है तो उसको भी आप क्या दवाई के बगैर ठीक करते हैं विदाउट एनी सर्जरी? हाँ, ऑफ कोर्स नितल जी, हम पूरी तरह घुटने की तकलीफ जो होती है उसको कोई भी ऑपरेशन या दवा बगैर पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। लोगों में एक मान्यता घर कर गई है कि घसारा लगा तो लग गया, कि कभी ज़िंदगी में घसारा ठीक ही नहीं हो सकता है, पर ये एकदम गलत मान्यता है। घसारा कुदरत का नियम है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के टायर घिसते हैं, उसी तरीके से हमारे भी जो जॉइंट्स है उसमें वेयर एंड टेयर प्रोसेस होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में घसारा कहते हैं। तो घसारा लगने का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए बिगड़ गया, क्योंकि गाड़ी का टायर ऐसा है कि वो एक निर्जीव चीज़ है, जबकि हमारा शरीर वो सजीव शरीर है, और हमारे शरीर में ये कुदरत ने ऑटोमेटिक सिस्टम रखी है कि जहाँ पर भी डैमेज होता है वहाँ पर रिपेयरिंग अपने आप होता है। तो हमें खाली कुदरत की जो रिपेयरिंग की प्रक्रिया है
उसको सपोर्ट करना होता है। यदि हम उसको प्रॉपरली सपोर्ट करें तो कोई भी गद्दी का घसारा हो उसको हम पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जब साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है तो ये 110% पॉसिबल है कि हम जो घसारा लगा है उसको पूरी तरह रिवर्स कर सके। जनरली क्या होता है नीतल जी कि घुटने में किसी को घसारा लगा तो जनरली घुटने में अंदर की तरफ घसारा लगता है। ये जो अंदर के भाग में घसारा लगता है और बाहर की गद्दी नॉर्मल होती है। ज़्यादातर लोगों में यदि हम एक्सरे एमआरआई देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि बाहर की गद्दी 100% नॉर्मल है और अंदर की तरफ की गद्दी ऑलमोस्ट 50-60% किसी की 70-80% भी घिस गई है। तो ऐसा क्यों होता है? यदि हम पैरों से चल रहे हैं तो वजन तो पूरा ही आ रहा है पूरे घुटने पर, तो क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ का गद्दी नॉर्मल रह जाती है और एक तरफ की गद्दी ज़्यादा घिस जाती है? उसका कारण यह है कि हम जो शरीर का वजन लेते हैं वो कहीं अंदर की तरफ ज़्यादा ले रहे हैं। उसी के कारण ज़्यादा वजन अंदर की तरफ लेने के कारण अंदर की गद्दी में घसारा ज़्यादा लगता है। और जो बाहर की गद्दी है वो लाइफ टाइम कई लोगों की 90-90 साल के लोगों को मैंने देखा है कि बाहर की गद्दी 100% नॉर्मल होती है। तो यदि हम जो शरीर का वजन जाने की प्रक्रिया है उसको अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर सके तो नॉर्मल गद्दी जो है उस पर पूरा वजन चला जाएगा। तो वो व्यक्ति को जो डैमेज हो रहा पोर्शन वो बच भी जाएगा और आगे की लाइफ के लिए बाहर की तरफ नॉर्मल गद्दी पे वजन जाने से कोई भी दर्द भी नहीं होगा। तो ये 100% पॉसिबल है कि हम घुटने को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं प्रक्रिया को। सो फॉर दैट आपने बोला कि आप सर्जरी नहीं यूज करते हैं, आप दवाई नहीं यूज करते हैं, तो आप करते क्या है? ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सर्जरी और दवाई के हम अगेंस्ट नहीं है। सर्जरी एक्चुअली जितनी भी घुटने की सर्जरी होती है उसमें से खाली 2% केस ही ऐसे होते हैं जिनको सही में घुटने की सर्जरी की ज़रूरत है। 98% केसेस ऐसे हैं जिनको अननेसेसरीली सर्जरी हो जाती है। हम वो 98% जो लोग हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं और उन्हीं को हम पूरी तरह बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते? देखिए, दवाइयों का तो घुटने के घसारे में कोई रोल ही नहीं है क्योंकि गद्दी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है। तो आप कोई भी दवाई मुंह से खाओगे तो वो दवाई वह आपकी गद्दी तक पहुंचने नहीं वाली है। जो भी दवाई असर करती है वो खाली पेन रिलीफ करती है, दर्द की दवाई होती है, उसका टाइम खत्म होने पर वापिस आपको दर्द होने लगता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दवाई तो कोई इलाज है ही नहीं। हम जो काम करते हैं उसमें हम घुटने को तो चेक करते ही है कि घुटने में क्या डैमेज हुआ है, घुटने पे किस जगह डैमेज हुआ है, गद्दी में क्रैक्स है कि नहीं, किस तरीके की क्रैक्स है, कौन सा लीजन होता है अलग अलग टाइप के, तो वो हम पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि घुटने एक्चुअल घुटने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, हम जो टखनी होती है उसको पूरा एनालाइज करते हैं कि टखनी की मूवमेंट प्रॉपर होती है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी घुटने के दर्द लेके आते हैं उसमें 70% लोग टखनी के रॉन्ग ट्रैकिंग के कारण ही उनको दर्द होता है। क्योंकि टखनी एक मोबाइल हड्डी है, अपनी जो टखनी होती है वो एक अलग हड्डी का पोर्शन है जो ऊपर नीचे सरकता रहता है। दैट मींस द नी कैप, यू नी कैप, यस यस। सो नी कैप यदि उसकी प्रॉपर सेंटर की लाइन में नहीं सरकती है और थोड़ी अंदर या बाहर की तरफ सरकती है तो वो फ्रिक्शन क्रिएट उससे होता है और वो जो फ्रिक्शन होता है, वो जो दूसरे हड्डी के साथ उसका टकराव होता है, वो जनरली पेन क्रिएट करता है, वो दर्द का कारण बनता है। तो टखनी का जो ट्रैकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम टखनी को सेंटर में ट्रैक करें। दूसरा, ये जो ऊपर नीचे की दो हड्डियाँ हैं वो दो ऊपर नीचे की हड्डियों को एक दूसरे पर जो रोटेशन होता है वो रोटेशन की मूवमेंट हम पूरी नॉर्मल करते हैं। ये रोटेशन कुदरत ने बहुत स्मार्ट वे में बनाया हुआ है। जनरली क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं और पैर पे पूरा वजन लेते हैं तो ऊपर और नीचे की हड्डी एक दूसरे में लॉक हो जाती है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तब। उसके कारण जो हमारे मसल्स है उस पर लोड बहुत कम हो जाता है और घुटने के घसारे में हमने ये देखा है कि ये लॉकिंग जो मैकेनिज्म है वो लॉस हो जाती है, वो हड्डियाँ एक दूसरे पे लॉक नहीं हो पाती है। हम वो लॉकिंग मैकेनिज्म को री एस्टैब्लिश करते हैं जिससे इजीली पैर पे वजन दर्दी ले सकता है। दूसरा, हम घसारा जो लगा है उसका फॉल्ट कहाँ कहाँ है, पैर के पंजे में यदि वो प्रॉपर वे में वेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, गलत तरीके से पंजे से वेट जा रहा है, हिप्स में गलत तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कमर में कोई फॉल्ट है कि, कई बार ऐसा होता है कि कमर में नस दब रही हो उसका रिएक्शन घुटने में आता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम इवेंचुअली पूरे बॉडी की अलाइनमेंट को पूरा देखते हैं
कि गर्दन से लेके पैर की उंगली तक कहाँ कहाँ पे माल अलाइनमेंट हुई है, कहाँ डिस्टर्बेंस है, उस सब को करेक्ट करते हैं। दूसरा हम पूरा स्टेबिलाइजिंग सिस्टम होती है बॉडी की, उसको पूरा रीएस्टैब्लिश करते हैं, जिससे बहुत एफिशिएंटली मांसपेशियां काम करने लगती है और घुटना नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए जैसे आपने बताया कि आप ये सब कुछ जो अलाइनमेंट और सब कुछ ठीक करते हैं, सो डू यू हैव स्पेशल मशीन्स टू डू दैट, कि आप वैसे एक्सरसाइज करवा के करते हैं? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं, आप सर्जरी नहीं करते हैं, तो ठीक कैसे करते हैं? हमें तो उसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपका एकदम सही सवाल है। हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें मशीनों का भी यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 90% जर्मन टेक्नोलॉजीज है ट्रीटमेंट की, और 10% यूएसए की टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मशीन हैं। ज़्यादातर हम सेल्यूलर बायोमैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। सेल्यूलर बायोमैकेनिक्स वो कोष के लेवल पे टिश्यूज़ को नॉर्मल करने की प्रक्रिया होती है। जनरली जहाँ पे भी फॉल्ट होता है वहाँ कोष के लेवल पे टिश्यू डिटोरिएट हो जाता है, तो हम कोष तक उसको ठीक करते हैं। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी से, जैसे हम बायो रेजोनेंस थेरेपी का यूज़ करते हैं, हम टेकार यूज़ करते हैं, शॉकवेव है, नाइट्रो 999 है, वो नस के लिए यूज़ करते हैं। वो नस जिनकी डैमेज हुई है उसको हम पूरा रीजनरेट कर सकते हैं नाइट्रो का यूज़ करके। ये यूएसए की टेक्नोलॉजी है, नासा ने इस पे रिसर्च करके ये पूरी टेक्नोलॉजी ढूंढी है, और नासा के साइंटिस्टों को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है ये टेक्नोलॉजी के लिए। दैट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर द नर्व। हम सुपर इंडक्टिव सिस्टम यूज़ करते हैं। ये सुपर इंडक्टिव सिस्टम वी आर द फर्स्ट इन एशिया कि हमने ये लॉन्च की एशिया में। सुपर इंडक्टिव सिस्टम ये पूरा एक स्पेसिफिक टारगेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे जो रुझाव की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो उससे उस सब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ जनरली मसल्स की एफिशिएंसी को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए, जॉइंट के अंदर की सूजन दूर करने के लिए, घसारे में जो हीलिंग की प्रक्रिया है उसको बूस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ हम एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। एक्सरसाइज बहुत टारगेटेड होती है, बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है। पेशेंट टू पेशेंट वो सब एक्सरसाइजेज वेरी करती है। उससे क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली आपके जॉइंट के अनुसार जो फॉल्ट है उसके अनुसार के ही मसल पे हम टारगेट करके एक्टिवेट करते हैं, जिससे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस टू नो। तो आपने जो सारी टेक्नोलॉजी बताई, इट साउंड्स रियली गुड, बहुत इफेक्टिव है, आपकी बात पे से ये तो पता चल रहा है। लेकिन हम जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, हाउ सेफ इट इज़? उससे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नितल जी, ये बहुत अच्छा कंसर्न है। मैं आपको बताते हुए सही में मुझे बहुत खुशी होगी कि इनमें की कोई भी टेक्नोलॉजी आप एक साल तक भी लोगे तो एक पेन किलर दवाई की जो साइड इफेक्ट होती है उतनी भी साइड इफेक्ट ये टेक्नोलॉजी एक साल तक लेने पे भी आपको नहीं होती है। ओके, सो आई वुड से दिस इज बेटर देन टेकिंग द पेन किलर। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जो शरीर के कोई भी टिश्यू को नुकसान कर सके। आप चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो, एक परसेंट भी आपके शरीर को नुकसान नहीं हो। इनफैक्ट आपका शरीर और बेहतर वे में परफॉर्म करने लगता है। आपके शरीर में से टॉक्सिन कम होने लगते हैं, सर्कुलेशन बेटर होने लगता है, शरीर का ओवरऑल जो फ्रेशनेस है वो इम्प्रूवाइज हो जाती है। तो शरीर ना दुरुस्त, उसको नेगेटिव इफेक्ट की जगह बहुत सारी और पॉजिटिव इफेक्ट में ले जाती है ये ट्रीटमेंट। ओके, सो आपने जैसे बताया बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है और बहुत एकदम उससे पॉजिटिव इफेक्ट आती है बॉडी पे। सो डू यू मीन टू से कि अगर आपके घुटने में घिसारा नहीं भी है तो भी आप अगर ये ऐसे ये ट्रीटमेंट्स ऐसा कुछ ले सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं तो हम उसको रेगुलरली अलाइनमेंट कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं, यस। इट्स रेगुलर मेंटेनेंस इज ऑलवेज नीडेड। यस, हम अलाइनमेंट इसलिए कराते हैं कि वो जो टायर है उसकी लाइफ लंबी रहे। यदि हम अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो वही टायर जल्दी घिस जाएंगे और हमें टायर रिप्लेस करना पड़ेगा। हम इसी तरीके से हमारे शरीर की अलाइनमेंट रख सकते हैं। यदि हम शरीर की अलाइनमेंट टाइम टू टाइम कराते रहे, प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट के पास हम जाके पूरा एनालाइज कराए और शरीर का पूरी तरह जो भी छोटा मोटा डिस्टर्बेंस, इट्स नॉट रिलेटेड टू पेन, पेन होना ज़रूरी नहीं है, पर डिस्टर्बेंस लॉन्ग रन में आपको डैमेज क्रिएट करता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजियोथेरापिस्ट कि आपका डिस्टर्बेंस कहाँ है। उसको आप यदि करेक्ट करा लेते इट विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम,
पर वो करेक्शन होने से आप लाइफ टाइम तक डैमेज होने से बच सकते हैं. सो मेंटेनेंस के लिए डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट अ गुड डॉक्टर. ओके, सो रेगुलर विदाउट पेन ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरापिस्ट एंड चेक योर अलाइनमेंट. यस ऑफ कोर्स यू शुड कंसल्ट. ओके, और जैसे आपने ये सारी जो प्रोसीजर बताई और ये सब कुछ जो है वो क्या होता है कि घुटने में घिसारा हो गया है, आपको पेन हो रहा है, उसके लिए रहता है. लेकिन जिसका अभी घिसारा नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करेंगे ताकि घिसारा ना हो, भविष्य में वो स्वस्थ रह सके. एक तो जैसा आपने ये बताया कि अलाइनमेंट करवा दीजिए आपके विल्स का, तो अच्छे से विल की लाइफ बढ़ जाएगी, आपके बॉडी की भी वैसे ही लाइफ बढ़ जाएगी, आपके हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू कंसल्ट अ गुड फिजियोथेरापिस्ट. उसके अलावा जनरल पीपल जो है वो क्या कर सकते हैं कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, घुटने उनके बोन्स अच्छे रहे? हाँ, इसके लिए जैसे एक तो वॉकिंग है, वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सामान्य एक्सरसाइज है, आप नॉर्मल वॉक करिए. वॉक से आपकी स्पाइन भी काफ़ी हेल्दी रह सकती है, घुटने भी हेल्दी रह सकते हैं. स्विमिंग यदि आता है, स्विमिंग इज़ अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज प्रोग्राम. यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आप मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, जैसे जिसको हम सामान्य भाषा में उठक बैठक कहते हैं, पर जनरली उठक बैठक पूरे नीचे तक और ऊपर तक आना होता है. यदि पूरा आप लगा सकते हैं उठक बैठक, उसमें आपको जर्क नहीं देना पड़ता है, तो आप वो पूरी पूरे लेंथ में आप उठक बैठक कर सकते हैं, पूरा नीचे जाके ऊपर आ सकते हैं. यदि आपको ऐसा है कि आप पूरी तरह नीचे बैठे और थोड़ा बहुत भी डिस्कम्फर्ट होता है या आपको खड़े होने में जर्क लगाना पड़ता है, तो आप उसको हाफ स्क्वाट कर सकते हैं या पार्शियल स्क्वाट कर सकते हैं. हाफ स्क्वाट में आप 90 डिग्री तक जाते हैं नीचे और फिर ऊपर आते हैं, ऐसे करते हैं, फिर धीरे धीरे आप एंगल को और डाउन ले जा सकते हैं. उसी तरीके से आप लंजिस कर सकते हैं. लंजिस में एक पैर आगे रख के फिर थोड़ा बैठना होता है और फिर खड़े होना होता है. इस तरीके से आप लंजिस भी कर सकते हैं. दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस. आप वन लेग स्टैंडिंग करिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स काम करते हैं और बॉडी की बैलेंस मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम करने लगती है. इस पर आप वर्क कर सकते हैं. वज्रासन में आप बैठने का रखिए. वज्रासन बहुत अच्छी पोजीशन है जिससे आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन आप कर सकते हैं. खाने के बाद आप आधा घंटा यदि वज्रासन में बैठते हैं तो आपको दोनों एडवांटेजेस है. आप डाइजेशन भी अच्छा कर सकते हैं और घुटने को भी हेल्दी रख सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट ऑल दिस थिंग्स. ये जो सारी आपने एक्सरसाइजेस बताई, आई जस्ट नोटेड के सारे नीज के रिलेटेड है. तो इज इट के जिसके नीज टोटली हेल्दी है वही कर सकता है कि जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है नीज में, वो लोग भी अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगा उनको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वो लोग भी ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. खाली एक्सरसाइज की जो डिग्री है उसको आपको ध्यान में रखना है. जहाँ पे भी आपको पेन शुरू हो रहा है या डिस्कम्फर्ट शुरू हो रहा है, वो आपकी अभी के टाइम के लिए उतनी ही रेंज के अंदर करिए. जहाँ आपको पेन के अंदर मत जाइए बेसिकली. okay. तो उतनी रेंज में करिए. ग्रेजुअली करते करते आपकी रेंज अपने आप बढ़ेगी. इन एनी केस कोई भी एक्सरसाइज करते हुए यदि आपका पेन बढ़ता है तो वो एक पैरामीटर है कि आप समथिंग रॉन्ग कर रहे हैं. तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए और उनकी सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करिए. दूसरा, एक जैसे आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो नॉर्मली आजकल सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है. तो सूर्य नमस्कार में कई लोगों को घुटने में पेन डेवलप होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? इज इट द पोजीशन दैट दे आर टेकिंग इज रॉन्ग कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि उनको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए? देखिए, सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशन जिसको कहते हैं योगा में, वो बहुत अच्छा योगा पोस्चर है. उसमें ज़्यादातर हेड से लेकर टो तक ज़्यादातर पोर्शंस की एक्सरसाइजेज हो जाती है. बहुत ही अच्छा आसन है. यदि वो आसन करते हुए आपको घुटने में दर्द है, यदि आपने आज शुरू किया और घुटने में दर्द हो रहा है, आई विल एडवाइज़ कि आप हफ्ते 10 दिन करते रहिए. कई बार ऐसा होता है कि आपने नहीं किया और करना शुरू करते हैं तो इनिशियल फेज में आपको थोड़ी बहुत तकलीफें आती है, फिर बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, कुछ टिश्यूज खुल जाते हैं, फिर आपको अच्छा लगने लगता है. लेकिन यदि आपको हफ्ते 10 दिन में पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है, तो आप रुक जाइए थोड़े टाइम, आइस पैक अप्लाई करिए
और आप सलाह ले लीजिए डॉक्टर की हो सके तो, और जो भी फॉल्ट है वो आइडेंटिफाई करके वो फॉल्ट को करेक्ट करा दीजिए और फिर वापस आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज प्रोग्राम है, उसको करना ही चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और इसके अलावा जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे नी बेल्ट्स और नी कैप्स ऐसी चीज़ें बहुत मिलती है, तो हाउ मच डू यू रिकमेंड दोज थिंग्स कि वो यूज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करने के टाइम पे वो यूज़ करना चाहिए, चलने के टाइम पे वो यूज़ करना चाहिए, व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दिस थिंग्स? देखिए नी ब्रेस या नी बेल्ट का एक्चुअली नॉर्मल यदि आपका घुटना है तो उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। नी बेल्ट खाली तब उन्हीं के लिए इफ़ेक्टिव है जिनको हाई एंड स्पोर्ट्स खेलनी है और उनके लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है और उनको रन करना है, तो वो थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। बाकी जिनको इस तरीके का नहीं है और नॉर्मल घसारा लगा है उनके केस में नी बेल्ट इतने इफेक्टिव नहीं है। फिर भी यदि किसी को नी बेल्ट पहनना है तो मैं एडवाइस करूंगा, एक ओपन पटेला नी बेल्ट आता है जिसमें टकनी जो होती है उसका भाग खुला होता है, वो मोजे जैसा नहीं होता है, तो वो टकनी का भाग जो खुला है वैसी आप नी कैप पहन सकते हैं, उससे कोई डैमेज नहीं है। जो टकनी को कवर करने वाली नी कैप्स होती है वो ज़्यादातर टकनी को डैमेज ज़्यादा करती है, तो वैसी नी कैप्स कभी भी नहीं पहननी चाहिए। और घुटना एब्सोल्यूट स्ट्रेट रहे ऐसी कैप्स की या ऐसे ब्रेसिस की ज़रूरत खाली जिनको एक्सीडेंटल इंजरी है उनको ही है, बाकी घसारे के लिए ऐसी ब्रेसिस का यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली मैंने ये देखा है मार्केट में कई नी बेल्ट्स मिलते हैं जो टोटली कवर्ड होते हैं, सो डू यू मीन टू से दोज आर नॉट यूजफुल फॉर अस? इनफैक्ट आपने जैसे बताया वो हमारे नी कैप को डैमेज करता है। यस यस, ज़्यादातर वैसी जो पूरी मोजे जैसी कैप्स होती है जो टकनी को कवर करती है वो टकनी को ज़्यादातर डैमेज करती है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसी नी कैप्स को पहनने के लिए। और एक्सरसाइज करने के टाइम पे कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि यू शुड वेयर द नी कैप नी बेल्ट, जिससे क्या होता है कि घुटने पे ज़्यादा वजन नहीं जाता है, सो डू यू एग्री टू दैट और नो? देखिए कोई भी आप नी कैप पहनोगे घुटने पे सेम ही वजन आता है, यदि आपने नी कैप पहना है कि नहीं पहना है एक्सरसाइज करते वक्त। घुटना ऐसा जॉइंट है उसको आप नी कैप पहन के ऑफलोड नहीं कर सकते, तो कोई भी कैप्स कोई भी डिवाइस इस तरीके से बाहर से पहनने से आप नी के ऊपर के वजन को डाइवर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो मेरी तो कोई भी एडवाइस नहीं। हाँ, आपको ऐसा हो कि आप गिरते हो और उसमें आपको सीधा नी पे जर्क नहीं लगे, उससे बचने के लिए यदि आपको कोई नी कैप पहननी हो तो वो बात अलग है, बाकी नी की स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज के दरमियान कोई भी नी कैप पहनने की ज़रूरत नहीं, अनलेस कि आपको कोई अंदर लिगामेंट का डैमेज नहीं हुआ। ओके, सो यू मीन टू से के रेगुलर जो नी बेल्ट्स है उसका कोई यूज़ नहीं है? Absolutely. वो पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आप उस हिसाब से अपने नीस को सेव करने के लिए वो अब बेल्ट पहन सकते हैं, बाकी फॉर रेगुलर पीपल इट इज़ ऑफ नो यूज़। इसके अलावा डॉक्टर साहब, काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे प्रकार के ऑयल मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि आपको घुटने में दर्द है तो ये वाला ऑयल यूज़ कीजिए, या आयुर्वेदिक भी बहुत सारा ऑयल्स आते हैं, तो उससे क्या कुछ इफ़ेक्ट आती है? इज़ इट यूज़फुल? क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए ऑयल जो भी होते हैं वो जनरली स्किन के नीचे जा ही नहीं सकते, स्किन के भी 7 लेयर्स है, वो सब जानते हैं, वो 7 लेयर को पेनिट्रेट करने वाला आज तक कोई ऑयल बना नहीं है दुनिया में। तो एक तो ऑयल आप लगाएंगे तो स्किन पे ही असर होता है, हाँ उससे काउंटर इरिटेशन होता है जिसको जनजनाट सामान्य भाषा में कहते हैं, वो काउंटर इरिटेशन टेम्पररी आपको, क्योंकि नसों को वो काउंटर इरिटेशन स्टिम्युलेट करता है, तो टेम्पररी आपके ब्रेन में एक डोपामिन करके हार्मोन होता है वो सिक्रिट होता है और उसके कारण थोड़ा पेन रिलीफ आपको महसूस हो सकता है। इट्स लाइक अ पेन किलर यू वुड से? इट्स लाइक अ पेन या पेन रिलीफ उससे महसूस हो सकती है, फॉर द टाइम बीइंग आपको लग सकता है, बट इवेंचुअली यदि घुटने के एक्चुअल प्रॉब्लम को देखने जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैकेनिज्म में कोई भी ऑइंटमेंट या किसी का कोई रोल नहीं है। ओके, सो ऑयल्स बहुत सारे होते हैं मार्केट में, मैंने खुद ने देखा है, बट इट्स जस्ट लाइक ऊपर से आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रिलीफ करेगा लेकिन अंदर से इसकी कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो टू अ गुड डॉक्टर, फाइंड आउट द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड गेट इट रिजॉल्व।
अच्छा, और डॉक्टर साहब जैसे आपने ये बताया प्रिकॉशंस के तौर पे हमने बहुत सारी बातें की है, उसके अलावा जैसे पालथी मार के जो बैठना होता है, कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दैट? नीतल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे ये सवाल का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। देखिए, पालथी मार के बैठना वो हमारे हिंदू कल्चर में बहुत कॉमन है और हम मानते हैं कि मंदिर में जाए या कहीं धार्मिक स्थल पे जाए तो नीचे ही ज़मीन पे बैठे। मुस्लिमों में नमाज नीचे पढ़ने में बहुत पायस गिना जाता है, जैनिज़्म में भी नीचे खमासना देते हैं, सभी धर्मों में नीचे बैठने को बहुत मान्यता दी गई है। जहाँ तक घुटने के घसारे का सवाल है, घुटने के घसारे के दर्दी को नीचे बैठने से कोई नुकसान नहीं है। जनरली ये मेडिकल फैकल्टी में ये सालों से एक मान्यता चल रही है कि घुटने में घसारा लगा है तो उसको सीढ़ी चढ़ने उतरने का ना बोल दो, उसको नीचे बैठने का ना बोल दो, पालथी मारने का ना बोल दो। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं सभी डॉक्टर्स के, पर ये अनफॉर्चुनेटली ये मिथ है और ये एकदम इनजस्टिस है पेशेंट की दृष्टि से। अभी के जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सब रिसर्च कहते हैं कि पालथी मारने से डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, किनको पालथी मारनी चाहिए किनको नहीं मारनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। जिनके हिप्स में से यदि मूवमेंट हो पाती है, हिप्स में से पूरा बॉल घूमता है, तो पालथी मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को आप देखेंगे कि पालथी मारने जाएंगे और हिप्स में से नहीं मुड़ पाएगा, पैर ऊंचा रहता है, वो लोग यदि ज़्यादा ट्राई करेंगे तो घुटने पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे पालथी मारने में, तो उनके घुटने में डैमेज हो सकता है। तो यदि आप पालथी मारते हैं और आपका ये जो हिप्स का हिस्सा है, कूल्हे का हिस्सा है, वहाँ से यदि आपका पैर ऊंचा रहता है तो समझ लीजिए कि हिप्स की मूवमेंट आपकी कम है, उसको पहले करेक्ट करिए और फिर पालथी मारिए। पालथी मारने से घुटने के अंदर कोई डैमेज नहीं होता है। हाँ, यदि आप बहुत लंबे समय तक पालथी मार के बैठते हैं, जैसे 3-4 घंटा बैठे जाते हैं, तो घुटने पे आप ज़्यादा स्ट्रेस एक जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। वो भी बहुत सिलेक्टिव लोगों में अलग तरीके के लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ही, पर ज़्यादातर लोगों को पालथी मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुटने के घसारे जिनको लगा है वो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपको दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको दर्द होता है तो आपके पैर पे 1 या 2 पिलो रख दीजिए और उस पे बैठ जाइए, पर वज्रासन की पोजीशन में धीरे धीरे जाने की कोशिश करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए घुटने की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आपने बताया कि पालथी मारना हमारे कल्चर में है, इंडियन कल्चर जो है वो हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, तो पालथी मारने में कोई नुकसान नहीं है, वज्रासन में कोई नुकसान नहीं है। और एक चीज़ जो आपने बताई वो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सुना है कि चढ़ना अच्छा होता है, उतरना नहीं अच्छा होता है, हाउ ट्रू इज़ दैट? वो यदि हम संसार में देखने जाए तो एक तरीके से सही है कि हम ऊपर की दिशा में गति करें। बाकी जहाँ तक घुटने का सवाल है, वो चढ़ना या उतरना दोनों घुटने को, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो चढ़ने में सर बहुत हार्ड हो जाता है, उतरना बहुत इजी है। उतरना आप मुझे बोलो तो मैं 10 फ्लोर भी उतर लूँ, लेकिन चढ़ना 2 माले भी हम थोड़ा हाँफने लगते हैं। तो डज इट मेक अ डिफरेंस? घुटने पर तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, घुटना यदि हेल्दी है तो उसके लिए तो चढ़ना उतरना दोनों एक्सरसाइज ही है और दोनों अच्छी चीज़ें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक प्रॉब्लम होता है टकनी का, जिनको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहते हैं, जिनको टकनी के नीचे घसारा है, जिनको चढ़ने या उतरने में दर्द होता है, उन लोगों को ट्रीटमेंट पहले करा लेनी चाहिए फिर चढ़ना उतरना चाहिए। यदि दर्द नहीं है तो आप चढ़ो या उतरो, वो एक तरीके की एक्सरसाइज ही है और ना चढ़ने में कोई खराबी है ना उतरने में कोई खराबी है। ओके, सो दैट अगेन कम्स टू द सेम पॉइंट के कोई भी एक्सरसाइज करो, वहाँ पे जहाँ पे आपको पेन होता है वहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होना है, गेट योर सेल्फ चेक्ड, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप सोल्यूशन निकाल दीजिए। इसके अलावा सर, जैसे अभी हम घुटनों की ही बात कर रहे हैं तो उसमें आपने मैंने बहुत सुना हुआ है कि घुटना घिस गया और गद्दी फट गई, ये दोनों टर्म्स क्या सेम है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग? ये तो नीतल जी आप पूरे मेडिकल साइंस को अभी बाहर निकाल दोगे ऐसा लग रहा है। हमारे ऑडियंस को तो भाई हम पूरी जानकारी अच्छे से देना चाहते हैं और कोई भी अधूरी अगर जानकारी है, आई बिलीव दैट इज डेंजरस, सो इट्स बेटर टू हैव द फुल नॉलेज। तो आप से बेहतर इतना अच्छा नॉलेज हमें और कौन दे सकता है?
हाँ देखिए, घुटने में घसारा लगना या गद्दी फटना, ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं आपको घसारा लग गया है, कुछ डॉक्टर कहते हैं आपकी गद्दी फट गई है। गद्दी का फटना और घसारा लगना वो एक ही मैकेनिज्म है। घसारा यदि लगा है घुटने में, तो आप यदि उसका MRI करके देखेंगे तो दिखेगा कि गद्दी फटी हुई है। तो उसमें कोई मतभेद नहीं है कि गद्दी फटी है वो अलग चीज़ है और घुटने में घसारा लगा है वो अलग चीज़ है। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंटली घुटने में डैमेज होता है, जैसे आप कहीं गिर गए, व्हीकल एक्सीडेंट हुआ और घुटने में चोट लगी और उसमें गद्दी फटती है, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें गद्दी फटती है, वो गद्दी फटना अलग तरीके से होता है। वो गद्दी फटने में कई बार आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो गद्दी जो फटी हुई है उसको रिपेयर करना पड़ता है। बाकी जो जनरली एजिंग प्रोसेस के कारण जो हो रहा है, वो घसारा और गद्दी फटना एक ही चीज़ होती है। सो अभी तक एक्चुअली सर, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं वो फटने वाले शब्द से बहुत डरती थी, घिसारे से इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अभी आपने बता दिया कि दोनों एक ही चीज है। और वो फटने वाला शब्द को ही लेके ज्यादातर डॉक्टर डराते हैं और सर्जरी करवा देते हैं कि फट गई है। तो फटने से मत डरिए। हाँ, तो भाई ये शब्द जो सुनते हैं उसको सुन के डरना नहीं है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन। हमारे सर के पास बहुत सारे इलाज है, बहुत सारे मशीन्स है, तो उसका हम फायदा ज़रूर उठाएंगे। सर, ये सारी बातें हमने की है घुटनों के बारे में, और जो ह्यूमन बॉडी में और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं वो रहते हैं स्पाइन के रिलेटेड। तो स्पाइन में भी यही आपका कंसेप्ट रहता है, विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन? हाँ ज़रूर, स्पाइन में, स्पाइन तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सर्जरी कभी कराई नहीं ही नहीं चाहिए। स्पाइन की जो मणके की सर्जरी होती है वो उसके जैसा अनफॉर्चुनेट सर्जरीज कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसी सर्जरियों में पड़ना ही नहीं चाहिए। स्पाइन के जितने भी केसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्यूमर्स या कैंसर है या कोई जन्म से कोई फॉल्ट है स्पाइन के अंदर, उन ऑकवर्ड केसेस में सर्जरी ठीक है, पर बाकी जिनकी गद्दी खिसकती है और नस दबती है उन कोई भी केस में सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो सभी केसेस विदाउट सर्जरी पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और आप यूं भी देखने जाओगे तो स्पाइन की सर्जरी का सक्सेस रेट 2% से ज़्यादा नहीं है, 98% फेलियर है। यदि कोई इलाज 98% फेलियर है तो वो इलाज कराना कितना बड़ा रिस्क है आपकी ज़िंदगी में। तो जनरली, और वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्पाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गद्दियाँ लगी है और वो गद्दी बाहर आती है और वापस हील होकर अंदर जाती है। ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि ये एक नेचर की नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो यदि आप MRI कराते हैं या कोई डॉक्टर कहता है कि आपकी गद्दी बाहर आ गई है, तो डरिए मत। 25 साल से ऊपर के भारत के जितने भी लोग या दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबका MRI करेंगे, 99% लोगों की कहीं ना कहीं गद्दी बाहर आने ही वाली है। उससे ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले हो और आपको प्रॉब्लम है। गद्दी बाहर आना बहुत नेचुरल चीज़ है, जैसे हमारे बाल उगते हैं वैसे गद्दी भी बाहर आती है और अंदर भी चली जाती है, वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कुदरत की। तो गद्दी बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही स्पाइन के लिए आप क्या प्रिकॉशंस और क्या आपके एडवाइसेस रहेंगे कि आपकी स्पाइन हेल्दी रहे? देखिए, स्पाइन है ना, हमारे अलग अलग छोटे छोटे बोन्स का यूनियन है। वो स्पाइन एक सिंगल हड्डी नहीं है, बहुत छोटे छोटे, जिनको मणके कहते हैं सामान्य भाषा में, वो छोटी छोटी हड्डियां है। वो ऊपर से गर्दन से लेके कमर तक छोटी छोटी हड्डियां मिलके बनाती है। अब ये जो छोटी छोटी हड्डियां है वो कुदरत ने ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाया है जिसके कारण हम आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ एक्टिविटी हमारी स्पाइन में से कर सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने इस तरीके का स्ट्रक्चर मनुष्य को दिया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर तभी हेल्दी रहता है जब उसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो। ये स्ट्रक्चर तभी मरने लगता है जब आप उसको एकदम स्टेडी कर दो। ये स्ट्रक्चर की डिज़ाइन ही ऐसी है कि आप उसको फ्लेक्सिबल रखो, आप उसकी मूवमेंट करो। यदि जिनको भी हम पेशेंटों को देखते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट वही होते हैं जिन्होंने बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। यदि स्पाइन आप डर के प्रोटेक्ट करने लगते हैं, आप उसका यूज़ कम करने लगते हैं, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज होने लगता है।
तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक इंसान को मैं कहूँगा कि आपकी स्पाइन की लचीलेपन पे ध्यान दीजिए, चाहे उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। वॉकिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर स्पाइन, प्राणायाम अगेन सपोर्ट्स द स्पाइन। ये सब चीज़ें आपको स्पाइन की हेल्थ नॉर्मल मेंटेन करने में, स्विमिंग है, पानी के अंदर की कोई भी एक्सरसाइजेस आप स्पाइन के लिए कर सकते हैं। स्पाइन इतना बढ़िया स्ट्रक्चर कुदरत ने बनाया है कि आप अभी मैं जैसे हाथ हिला रहा हूँ तो भी मेरी स्पाइन एक्टिव होके उसको सपोर्ट, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो स्पाइन इतना अफलातून स्ट्रक्चर है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं और जितनी चैलेंज हाई करते जाते हैं स्पाइन आपकी हेल्दी होती जाती है। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स एक्सरसाइज कीजिए। यस, एक्सरसाइज कीजिए और मोबाइल रहिए। हाँ। बैठ मत जाइए कहीं पे, अटक मत जाइए। स्पाइन इनके आपको मणके की तकलीफ भी हुई है तो नीतल जी मैं कहूंगा कि आप रुक मत जाओ। लोग 20-20 दिन 25 दिन महीनों तक सुला के रखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली क्राइम। ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी कोई भी पेशेंट को, यदि आप 2 दिन से ज्यादा सुला के रखते हो स्पाइन की प्रॉब्लम में, तो आप उसकी स्पाइन को फायदे की जगह नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आपके मांसपेशियां जो काम करनी चाहिए वो काम नहीं कर पाती है, वो कमजोर हो जाती है, और जब आप बैठेंगे चलने लगेंगे तो वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, उसके कारण आप फ्यूचर में बड़ा डैमेज कर देते हो। तो एक्टिविटी इज बेटर इन स्पाइनल कंडीशन रादर देन स्टॉपिंग द एक्टिविटी। ओके, और जैसे अभी हम एक्सरसाइज और एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो कई स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी स्पोर्ट्स कितना हेल्पफुल है वो आप बताइए, क्योंकि नॉर्मल मैंने ये देखा है काफ़ी लोगों को एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। देन कैन वी सजेस्ट देम कि आप खेलने जाइए, प्रोबेबली लाइक लॉन टेनिस और बैडमिंटन, वो सेफ रहता है कि इज इट नॉट गुड एट अ सर्टन एज? नहीं नहीं, देखिए ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक एज के लिए बढ़िया है। स्पोर्ट्स शरीर को तो तंदुरुस्त रखता ही है, मन को भी बहुत फ्रेश रखता है। तो आपको कोई भी एज में स्पोर्ट्स करना, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खेलना ही चाहिए। और खेलो इंडिया, मैं तो कहूँगा सबको कि सबको खेलना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। क्या खेलना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यदि आप मान लो कि 40-50 साल के ऊपर के हो और यदि आपको कोई अचानक आप लॉन टेनिस खेलना चाहते हैं तो पहले आपको देखना चाहिए कि आपका बॉडी लॉन टेनिस को लिए है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ये, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव स्पोर्ट है और ऐसी एग्रेसिव स्पोर्ट आपका शरीर अभी स्टिफ है और एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलने लायक नहीं है, और यदि आप खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं। सो स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा है पर आपके बॉडी का एनालाइज करके खेलो वो ज्यादा अच्छा है, या फिर सो गो स्लो, दैट वुड बी बेटर। कुछ भी आप अगर कोई भी एक्सरसाइज है कुछ भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा धीरे 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 स्टार्ट करेंगे तो इट इज हेल्पफुल। और इसके अलावा वॉकिंग के लिए तो आपने ऑलरेडी रिकमेंड कर ही दिया है, वॉकिंग के साथ साथ जॉगिंग जो होता है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, इज इट गुड और इज इट नॉट गुड? जॉगिंग इज़ गुड, जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है। जॉगिंग कितना करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी सरफेस पे करना चाहिए। जनरली कंक्रीट सरफेस पे जॉगिंग करना मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि जॉगिंग कंक्रीट सरफेस पे करने से आपके पंजों पे और दूसरे जोड़ों पे बहुत हार्ड जर्क्स आते हैं जिसके लिए हमारे जॉइंट्स बने नहीं हैं। आप मिट्टी पे या घास की सरफेस पे जॉगिंग करो वो बहुत अच्छा है, और यदि मिट्टी या घास पे करते हैं तो खुले पैर करना मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगा रादर देन यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स शूज़। यदि आपको कंक्रीट पे ही करना पड़े तो कोई अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आप करिए, या ट्रेडमिल पे करना है तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के करिए, बाकी मिट्टी या घास पे खुले पैर पे करने जैसा एडवांटेज किसी से नहीं मिलता है। ओके, और इसके अलावा आजकल हमारे सूरत में साइकिलिंग की भी बहुत अच्छी एक हवा चली हुई है। मैं जहाँ पे भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि लोग साइकिल लेके निकल जाते हैं। बहुत सारे साइकिलिंग के भी मैराथन्स आजकल चल रहे हैं, तो इस साइकिलिंग गुड फॉर योर नीज, फॉर योर स्पाइन? नीतल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, साइकिलिंग करनी चाहिए सबको, पर मैं ये सजेस्ट, मैंने ये देखा है सूरत में तो खास करके कि लोग साइकिलिंग के ट्रेंड में आके फिर खाली साइकिलिंग ही करते रहते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो साइकिलिस्ट है जो अपने घुटने को डैमेज कर रहे हैं, हिप्स को कर रहे हैं और बैक को डैमेज कर रहे हैं।
क्योंकि साइकिलिंग इस तरीके की एक्सरसाइज है जिसमें आपके पैर 90 डिग्री पे आपके हिप्स मुड़े हुए रहते हैं और घुटना भी 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है। कई बार साइकिल का एंगल ऐसा होता है कि आप झुक के करते हो तो स्पाइन झुकी हुई रहती है। वो एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए ठीक है, पर उसके रिवर्स ग्रुप के लिए आप जरा भी नहीं कर रहे। तो मैं ये एडवाइस करूँगा जो भी साइकिलिंग कर रहे हैं वो वीक में 3 बार साइकिलिंग करे, उसके अलावा बाकी के जो 4 दिन है उसमें आप आइदर आप योगा करिए, आप चलिए, स्विमिंग करिए, ये सब चीज़ें करिए जिससे दूसरे मसल्स आपके एक्टिव रहेंगे और जो साइकिलिंग के कारण जिन मसल पे स्ट्रेस आता है उसका काउंटर बैलेंसिंग हो जाएगा। सो दैट इज लाइक कीप ऑन चेंजिंग योर एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक। ऐसा नहीं कि 2 महीने ये का या 2 महीने ये, हाँ. ये काम नहीं आएगा आपको, हर एक दिन अलग अलग चीजें करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो यस वी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया है। इनफैक्ट आई वुड से पर्सनली भी मैंने आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखी है हमारे घुटनों के बारे में, स्पाइन के बारे में। अभी आपके पास हमें बहुत सारी और जानकारी भी लेनी है बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। और आपका मैं वापस से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी ऑन माई चैनल दिव्यांग न्यूज़ ओवर हियर एंड ऑन आर प्रोग्राम हेल्थ प्लस के, अपने हेल्थ के रिलेटेड इतनी सारी जानकारी दी है। सो यस पब्लिक, बी अवेयर, अपने हेल्थ का केयर कीजिए, अपने बोन्स का केयर कीजिए, डू एक्सरसाइज, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, जहां पे जरूरत लगे वहां पे आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए एंड ऑलवेज बी हैप्पी। विद दिस आई विल टेक योर लीव, कमिंग अप again bringing another very exciting episode, very knowledgeable episode of Health Plus. Tab tak ke liye dhanyawad. Thank you.